सो फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है वन पॉट सांबर राइस की रेसिपी, जो बहुत ही फेमस है और इसे आकर के जो है बिस्मिल्ला भात भी बोलते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैंने जो है चावल और तूर दाल, उसके अलावा जो है मूंग दाल धो करके आधा घंटा सोक करके रख लिया था, मतलब भिगो करके रख लिया था। अब जो है कुकर में मैं डालने वाली हूँ। तो मैं पहले डाल ले रही हूँ चावल। अब इसका जो है माप आप कैसे लेंगे, मेजरमेंट आकर के जितना आपने जिस कटोरी से या जिस ग्लास से या जिस भी बर्तन से चावल लिया है उसी बर्तन से जो है आपको दाल भी लेना है, ठीक है। तो मैंने जो है छोटे से ग्लास से जो है 3 ग्लास चावल लिया था, तो उसी ग्लास के हिसाब से मैंने क्या लिया है ना, दाल ले लिया है। जितना मैंने चावल लिया था उतना ही दाल भी ले लिया है। तो अब मैंने डाल लिया है इसमें चावल और दाल। तो आइए, डाल लिया चावल और दाल, मतलब हाफ हाफ पोर्शन हो गया है, ये दाल हो गया है और इस तरफ जो है चावल भी हो गया है। अब हम इसमें जो नेक्स्ट डालेंगे वो है मूंग दाल। मूंग दाल ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए, थोड़ा ही चाहिए। तो मैंने लिया है 2 टीस्पून ऑफ मूंग दाल। ठीक है, तो मैंने इसमें ले लिया है 2 टेबलस्पून ऑफ मूंग दाल। अब इसमें क्या डालेगा, मैंने सारे वेजिटेबल्स जो है वो कट करके रख लिए, तो मैं डाल दे रही हूँ 2 टोमेटोस, 1 ही कैरेट लिया है तो 1 कैरेट, उसके अलावा मैंने लिया है 4 से 5 बीन्स, उसके अलावा मैंने लिया है ब्रिंजल, 2 बैंगन मैंने काट लिए थे वो, और रहे ये छोटे प्याज। अगर आपके पास छोटे प्याज नहीं है तो आप बड़ा वाला, जो छोटा बड़ा वाला प्याज है वो काट करके भी डाल सकते हैं। तो मोस्टली साउथ इंडिया में आप लोगों को छोटे प्याज मिल जाएंगे, ये आकर के जो है वो सांभार के लिए यूज होते हैं, तो वो आप डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स। अब हम इसमें क्या डालेंगे, अब देख रहे हैं, तो अब हम इसमें डाल लेंगे हल्दी। तो देखिए मैंने डाला है 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी। नेक्स्ट हम इसमें डाल लेंगे आपकी मिर्च के अनुसार, आप जो है इसमें ऐड कर सकते हैं मिर्च पाउडर। मैं एक्चुअल में इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। ये हो गया। अब इसके साथ ही जो है मैं इसमें सांभर पाउडर, और मतलब घर पे बनाया हुआ जो सांभर पाउडर है मेरे पास, वो डाल दे रही हूँ। आप मार्केट से खरीदा वाला सांभर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें घर पे बनाया वाला सांभर पाउडर 1-2 स्पून डाल दे रही हूँ। अब इसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं हम, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, तो वो अब हम इसमें डाल लेंगे जो है सॉल्ट। आप सॉल्ट अपने अनुसार डाल लीजिए। तो ये 1 हो गया। इसके अलावा जो है ये 2 स्पून मैंने डाल दिया है, 2.5 स्पून मैंने डाल दिया है इसमें सॉल्ट। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ, जिस ग्लास से मैंने पानी लिया था उसी ग्लास से जो है मैंने 6 ग्लास ऑफ वाटर ले लिया है। अब इसको स्पून ले लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और एक लास्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें बच गया है वो है आपका, जो लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें बच गया था जो मैं डालना भूल गई हूँ, वो है थोड़ा सा जीरा। जीरा आप अभी भी डाल सकते हैं और टेम्परिंग में भी डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों टाइम में भी डालेंगे। तो जीरा भी डाल दिया। अब इसको लगा लेते हैं हम गैस पे, चढ़ा के लगा लेंगे विजल।
मैंने लगा लिया इसमें चीजें। अब इसको चढ़ा देती हूँ कुकर पर, गैस पर। फ्रेंड्स मैंने कुकर चढ़ा दिया है, अगर हाई फ्लेम पे रख रहे हैं तो 2 विजल, अगर स्लो फ्लेम पे रख रहे हैं तो 1 विजल, बहुत काफी है। उसके बाद में जो है हम इसको तड़का लगाएंगे। सो फ्रेंड्स अभी मैंने विजल निकाल दिया है, मतलब निकल गया इसका विजल, तो देख सकते हैं। राइस और दाल जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पक गया है। मैं इसको थोड़े से बड़े बर्तन में निकाल लूंगी। अभी फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने इसको थोड़े से बड़े कढ़ाई में ले लिया है, क्योंकि अब इसमें और इंग्रेडिएंट्स डलेगा और मुझे जो है इसको इजीली चलाने के लिए भी हो जाएगा इसीलिए। तो आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स है, कैरेट वगैरह है, ऑनियन सब कुछ है, और बहुत हाँ रोगी तो सभी वेजिटेबल्स खाती है। अब जब है इसको थोड़ा देर पकने दूंगी मैं, और इसमें क्या करूंगी, ये है टैमरिंड का जूस, तो ये ऐड कर दे रही हूँ मैं इसमें। क्या दिखा? टैमरिंड जूस है, टैमरिंड जूस। मैं इसको मिक्स करना का जो कच्चापन है वो जाते तक के जो है इसको मैं पका लूंगा। तो इसको पकने देती हूँ, और तब तक के जो है मैं इसको दूसरे साइड रख के इस तरफ जो है आप लोगों को टैम्परिंग करके दिखा देती हूँ, मतलब तड़का लगा कर दिखा देती हूँ। अरे जल्दी जल्दी दूर रहना बच्चा थोड़ा, क्योंकि गर्म है। इसी टाइम पे जो है आप उसमें जो है सॉल्ट भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने चढ़ा दिया है, ये इसमें मैं तेल है, तो मैं और थोड़ा तेल इसमें ऐड करूंगी। तेल क्यों डाल दे? आप ये तो घी में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है उसमें घी ऊपर से डालूंगी तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसको। मैं अब इस तरफ जो है तेल गरम होने दीजिए, फिर मैं आपको तड़का का प्रोसेस दिखाती हूँ। यहाँ तेल गरम हो गया, मैं इसमें लहसुन और काजू डाल दे रही हूँ। काजू आकर के जो है वो सकते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा जो है कलर चेंज हुआ है, तो अब मैं जो है इसमें हींग डाल दूंगी। हींग से और टेस्ट और फ्लेवर जो है और अच्छा एनहांस होता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा और सरसों। पूरे घर में जो वो हींग की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि पूछो मत। अब नेक्स्ट में इसमें डाल दूंगी कड़ी पत्ता। थोड़ा कड़ी पत्ता को जो है वो मैं क्रिस्पी होने दूंगी। तो ये तड़का जो है अब मैं इसमें ऐड कर लूंगी। और इसका क्वांटिटी थोड़ा इसलिए ज्यादा बनाया मैंने, क्योंकि मेरे बाजू में जो इनकी मौसी वगैरह रहती है, उनका मेरे पास लंच बॉक्स है तो उनको देने के लिए, तो इसलिए जो है थोड़ा सा क्वांटिटी जो है मैंने ज़्यादा कर लिया। अब इसको थोड़ा सा कम आंच में हम इसको ऐसे ही पकने देंगे।
जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, वो मैं अब इसमें ऐड करूंगी, जो कि है, अब जो है मेन इंग्रेडिएंट घी। भरपूर घी डाल लीजिएगा इसमें, क्योंकि घी डालने से क्या होता है, एक तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है और बच्चे बहुत चाव से खाते हैं, रूही बहुत अच्छी चाव से खाती है, तो इसलिए मैंने जो है भरपूर घी डाल लिया है अब इसमें। अब जो है घी को इसमें अच्छे से मिला लूँगी, पका लूँगी, और हमारा सिंपल इजी वन पॉट सांबार राइस बोल सकते हो आप इसको, या फिर कर्नाटका साइड ऐसा जो है उसको बिसबिल्ला भात बोलते हैं। तो ये जो है हमारा टेस्टी सा रेसिपी रेडी हो गया है। Thanks for watching. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.